अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे 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 से व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, रमज़ान भी आपका अच्छा गुजर रहा होगा। वेलकम टू यासिम किचन एट, मैं हूँ अबीहा यासिर। और आज की जो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, और आज की जो रेसिपी वो चीज़ लवर्स के लिए, पिज़्ज़ा लवर्स के लिए बेस्ट रेसिपी है। आजकल के दौर में चीज़ ऐसी चीज़ है जो किसी को भी पसंद ऐसे नहीं हो सकता कि ना हो, ठीक है, सबको ही पसंद होती है। और आज की जो पिज़्ज़ा है वो हमारा फुली लोडेड पिज़्ज़ा है। आप देख सकते हैं कि किस कदर ये यमी और किस कदर से चीज़ जो है वो बिल्कुल ऐसे मेल्ट होकर बाहर आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा है। जब आप इसको बनाएंगे तो आप बाकी इस बात की तस्दीक करेंगे कि जी ये बहुत ही फुली लोडेड और बहुत चीज़ी पिज़्ज़ा है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इसमें कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी। कोई भी जो भी मैं आपको टिप्स बताऊंगी उनको केयरफुली नोट करना है, ताकि जब आप ये बनाएं तो आपसे कोई भी ऐसी गलती ना हो कि आपका पिज़्ज़ा अच्छा ना बने। तो इंशाल्लाह फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हैं। सबसे पहले हमें चाहिए जी मैदा या ऑल पर्पज़ फ्लोर, आप एक कप ले सकते हैं, ठीक है। मैंने एक पिज़्ज़ा बनाना है इसलिए मैं एक क्वांटिटी बना रही हूँ। सॉल्ट हमें चाहिए जी, नमक 1 टीस्पून, हमें यीस्ट चाहिए 1 टेबलस्पून, हमें शुगर यानी चीनी चाहिए 1 टेबलस्पून, ऑयल चाहिए हमें 2 टेबलस्पून, और पानी हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत, हमने इसको जो गूंदना है आटे को, ठीक। सबसे पहले हम यीस्ट का मिक्सर रेडी कर लेंगे। 1 टेबलस्पून यीस्ट है, 1 टेबलस्पून शुगर, और उसके अंदर मैंने नीम गर्म पानी 2 टेबलस्पून डाल के उसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए रखा है। ये देखिए 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर कैसे झाग आ गई है। ये इसका मतलब है कि हमारी यीस्ट एक्टिव है और ये काम करेगी खमीर, ठीक है। अब हमने क्या इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेना अपने जो है खमीर को। फिर जी एक कप मैदा के अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है, और उसके बाद मैंने जो खमीर का मिक्सर बनाया हुआ था वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लिया है, और मैं जो हूँ उस टाइम पे जो है जब मिक्स कर लूँगी उसके बाद मैं इसके अंदर पानी हस्बे ज़रूरत यूज़ करना है, ताकि जो है हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो नरम डो भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त डो भी नहीं होनी चाहिए। देख सकते हैं आपके इतनी थिक होनी चाहिए, और इतनी मतलब डो हमारी और नरम हो, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा नरम ना बहुत ज़्यादा सख्त, ठीक है। ये देख सकते हैं आपकी मैंने डो रेडी कर ली अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद मैं इसको जो है वो ऑयल लगा के इसको रेज होने के लिए रख दूँगी, ठीक है। ये देखिए मैंने ले लिया बाउल, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, और उसको जो है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर भी डो के ऊपर सारा अपने ऑयल लगा देना है, और उसके बाद उसको हमने एयर टाइट करके यानी मैं इसके ऊपर जो है वो लगा दूँगी क्लिंग फिल्म, और इसको जो है रैप करके 2 आवर्स के लिए मैंने इसको गर्म जगह पे इसको रख दिया, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से रेज हो जाए। इसके बाद हम चिकन की टॉपिंग रेडी कर लेंगे। उसके लिए हमें चिकन क्यूब चाहिए 1 कप, ठीक है। हमें लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए 1 टीस्पून, और हमें चाहिए जी ब्लैक पेपर क्रश चाहिए हमें 1.5 टीस्पून, ठीक है। हमें रेड चिली फ्लेक, कुटी हुई लाल मिर्च भी 1.5 टीस्पून, हमें लाल मिर्च पाउडर भी 1.5 टीस्पून चाहिए, हमें नमक चाहिए 1.5 टीस्पून, और ओरेगानो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा ये भी हमें 1.5 टीस्पून चाहिए, और हमें दही चाहिए 2 टेबलस्पून। हम 1 बाय 1 जो है वो चिकन के अंदर अपने सारे ये स्पाइसेस ऐड कर देंगे, ठीक है। चिकन डाल लिया हमने, नमक डाल लिया 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च भी हमने 1.5 टीस्पून डाल ली, हमने काली मिर्च का पाउडर भी 1.5 टीस्पून, और ओरेगानो भी 1.5 टीस्पून हमने, और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून हमने इसके अंदर ऐड करके, और उसके मैंने अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो योगर्ट यानी दही ऐड करके मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स करके इसको हमने 10 से 15 मिनट रख देना, ताकि जो है फ्लेवर अच्छी तरह चिकन में चला जाए। उसके बाद एक पैन ले लेना, उसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल ऐड करना है, और उसके अंदर अपना सारा चिकन ऐड करके, और उसको तब तक पकाना है जब तक जो है वो हमारा चिकन टेंडर नहीं हो जाता, ठीक है। ये मैंने सारा चिकन इसके अंदर डाल दिया है, और स्टॉप भी ऑन है, मैं इसको जो है वो स्लोली स्लोली पकाऊंगी। ये देखें मैंने जो मैरिनेशन में जो मिक्सचर बच गया था उसका मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके अंदर ऐड किया, ज़ाया नहीं किया, ताकि जो है वो हमारा मिक्सचर जो है वो हमारा जो चिकन है वो इसी के पानी के अंदर अच्छी तरह से पक जाए और गल जाए, ठीक है। ये देखिए चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल गल गया। अब हम इसको जो है वो निकाल लेंगे बाउल में, और अपनी टॉपिंग्स के लिए जो है इसको सेट करके रख लेंगे। हमारे पिज़्ज़ा की जो असेंबलिंग है उसके लिए हमें सबसे पहले मोज़रेला चीज़ के स्ट्रिप्स चाहिए 1 कप, ठीक है। ये मैंने साइड में डालना है क्रस्ट में। चिकन क्यूब जो हमने रेडी किए हैं ये भी 1 कप, ठीक है। हमें पिज़्ज़ा सॉस चाहिए, ठीक है, एज़ रिक्वायर्ड जितनी हमें ज़रूरत होगी। ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, ये भी होममेड है, मैं जल्दी इसकी रेसिपी अपलोड करूँगी। हमें टमाटर चाहिए, एक टमाटर को मैंने चॉप कर लिए, छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं। कैप्सिकम यानी हमें शिमला मिर्च भी एक चाहिए, अनियन भी एक चाहिए, दोनों को मैंने चॉप कर लिए। ब्लैक ऑलिव्स मैंने 7 से 8 लेकर उनको भी चॉप कर लिए, और कुछ मैंने रिंग्स की फॉर्म
में रखे हैं 9 से 10 उनके स्लाइसेस जो हैं वो उसके ऊपर डालूँ। इसके अलावा मैंने मोज़रेला एंड चेडर चीज़ ली है 2 कप्स, ठीक है। मैंने लोडेड पिज़्ज़ा बनाना है इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो आप 1 कप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हमारी जो है वो डो रेज हो चुकी है, ये देख सकते हैं। इसके अंदर मैं जो है वो बबल्स इसके अंदर बना रही हूँ। इसके अंदर सारी गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है रिमूव हो गई है, और अब इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से हमने अच्छी तरह से नीट कर लेना है ताकि इसके अंदर मज़ीद जो एयर बबल्स हैं वो भी निकल जाएँ, ठीक है। आपने डो को अच्छी तरह से नीट कर लेना है कि इसके अंदर से जो है वो तमाम बबल्स रिमूव हो जाएं और बिल्कुल अच्छी सी हमारी स्मूथ सी जो है वो डो रेडी हो जाए, ठीक है। ये डो हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हमने पिज़्ज़ा पैन ले लेना है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया और उसको ब्रश की मदद से जो है वो अच्छी तरह से हमने फैला दिया। उसके बाद मैं इसके ऊपर जो है वो पिज़्ज़ा डो रखूँगी और हाथों की मदद से इसको जो है मैंने फैलाना है, ठीक है। बेलना नहीं है, अगर बेलेंगे तो हमारा जो डो है वो वापस हो जाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आपने याद रखनी है, हाथों की मदद से उसको आपने प्रेस करना है, बेलना बिल्कुल भी नहीं है। बेलेंगे तो वो डो वापस आ जाएगी, ठीक है। अच्छी तरह से मैंने इसको हाथों की मदद से सारा प्रेस किया और मैंने इसके किनारे जो हैं वो भी बना लिए, क्योंकि हमारा साइडों पर क्रस्ट जो है वो फिल्ड होगी मोज़रेला चीज़ से, तो मैंने इसकी क्रस्ट जो है वो अच्छी तरह से जो है वो बाहर की तरफ निकाल दी। इसके बाद मैं फोर्क की मदद से इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे डॉट्स लगा दूंगी ताकि जो है हमारी जो सॉस है वो अच्छी तरह से हमारे पिज़्ज़ा के अंदर चली जाए। मैंने पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई कर दी इसके ऊपर, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके साइडों पे जो है वो मोज़रेला चीज़ के सारी स्ट्रिप्स रख दी हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त बहुत ही चीज़ी पिज़्ज़ा बनेगा हमारा, और रेसिपी फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। उसके बाद मैंने अपनी जो क्रस्ट है उसको फोल्ड कर दिया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया है, सारी क्रस्ट को मैंने इस तरह फोल्ड कर दिया है और चीज़ हमारी इसके अंदर रहेगी। उसके बाद हाथों की मदद से हमने इसको प्रेस कर देना अच्छी तरह से ताकि चीज़ हमारी बाहर ना आ सके। उसके बाद हमने सबसे पहले थोड़ी सी नीचे चीज़ डालनी है। नीचे चीज़ डालनी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इस तरह हमारा जो भी टॉपिंग्स होती हैं वो चिपकी रहती हैं, अदरवाइज़ जब आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो वो उसके ऊपर से सारी गिर जाती हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च और टमाटर और जो है प्याज उसकी हमने टॉपिंग कर दी है, ठीक है। 1 बाय 1 उसमें अंदर मैंने सारे डाल दिए हैं, और उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़े से जो हमारे चॉप्ड ऑलिव्स थे वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं, और एंड पे मैं इसके ऊपर डालूंगी चिकन के क्यूब्स, ठीक है। अच्छी तरह से हमारा फुली बड़ा मज़ेदार सा फुली लोडेड पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है, ठीक है। नीचे चीज़ डालना बहुत ज़रूरी होती है, इस तरह से जो है हमारी टॉपिंग्स जो है वो चिपकी रहती हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर से जो है दोबारा एक चीज़ की लेयर लगाऊंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं मोज़रेला एंड चेडर चीज़ ज़्यादा यूज़ करें, चेडर चीज़ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मोज़रेला चीज़ से सिर्फ जो है वो उसकी जो है वो स्ट्रिंग्स बनते हैं। उसके बाद मैंने जो बची हुई टॉपिंग थी वो भी सारी इसके अंदर डाल दी, कैप्सिकम और शिमला मिर्च और जो है हमारे टमाटर। उसके बाद मैं इसके पास ऑलिव्स के जो है वो स्लाइसेस रख रही हूँ, और एंड पे जो है वो थोड़े से मैंने चिकन क्यूब्स बचा लिए थे ताकि ऊपर सजावट के लिए मैं यूज़ करूँ, ठीक है। चिकन क्यूब्स मैंने सारे रख दिए। अब एंड पे जो है वो बिल्कुल मैंने उसके ऊपर जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड की और थोड़ा सा ओरेगनो ऊपर हमने ऐड किया। उसके बाद हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे 170 डिग्री पे, मैंने इसको 25 से 30 मिनट्स बेक करना है, ठीक है। और जो है हमारा ओवन प्री हीट था, ठीक है, पहले मैंने 10 मिनट पहले इसको चला दिया था। ये देख सकते हैं आपकी हमारी चीज़ मेल्ट होने शुरू हो गई है 10 मिनट बाद, और ये देखें जी 25 मिनट्स बाद हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त ये बना है। इसका टेस्ट इतना यम्मी है कि आप ये खाएँगे तो आपने और कोई बाहर का पिज़्ज़ा तो आपको अच्छा लगना ही नहीं ना है, इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा ये। चलें जी, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू आने वाली मज़ेदार सी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। ये देखें मैंने पिज़्ज़ा के पूरे स्लाइसेस कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं ये आप स्लाइसेस करते हुए देख सकते हैं कितनी कदर चीज़ी है, और ये आप इसकी चीज़ जो है वो मैं आपको भी इसको इसके स्लाइस भी दिखाती हूँ किस कदर ये यम्मी है, किस कदर ये मज़ेदार बना है। उसके स्ट्रिंग्स, उसके चीज़ देखिएगा किस कदर मेल्ट हो रही है। इस कलर फुली लोडेड पिज़्ज़ा है, आपको बहुत पसंद आएगा, ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगी। डिश आउट करके देखें किस कदर मज़ेदार स्लाइस है, किस कदर चीज़ी है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।